of the gift and the goods. Of the Stri Dhan. Okay. If the person or, is ready to return back everything that... सर आप मैं आपके पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि अगर 100 केस आते हैं 99 केस में लिस्ट इतनी इन्फ्लेटेड होती है कि अगर आप चाहकर भी वो आर्टिकल रिटर्न नहीं कर सकते। आप कर दो जी, वो 20 लाख का दावा करते हैं, आप 20 लाख रुपए रिटर्न कर दो वहाँ पे, कोर्ट आपको इमीडिएटली बेल दे देता है। तो सर 406 में बेल कैसे मिलेगी सर? दिल्ली के अंदर 99% बेल जो है कुछ ले दे के होती है, पर हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है बेल दे देते हैं। और हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जनरली हस्बैंड के अरेस्ट मांगते हैं एक दो दिन के लिए, नहीं तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। बट बहुत से केसेस हैं जहाँ पे आप सफिशिएंट प्रूफ लगाते हो कि भैया ये ले गई थी, ये नहीं ले गई थी, कोर्ट एडमिट लिस्ट से जितने आर्टिकल थे वो लौटाए। उसके बाद आईओ ने बोला आप डिफरेंस लिस्ट बनेगी, डिस्प्यूटेड लिस्ट बनेगी। मैंने बोला नॉट एग्री, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अरे नहीं, डिस्प्यूटेड लिस्ट बनेगी, डिफरेंस लिस्ट नहीं बनेगी, डिस्प्यूटेड लिस्ट। दीज आर द आर्टिकल ऑफ डिस्प्यूट, वो कोर्ट में सबमिट होगा। बेल के दौरान कोर्ट उसमें फैसला करेगा कि इसके लिए आप पैसे देते हो, आप अरेस्ट होते हो, या आपकी बेल रिजेक्ट होती है, आप हाईकोर्ट जाते हो। दिल्ली के अंदर कोई आदमी जो टाइमली कोर्ट में पहुंच गया, उसके अरेस्ट होने की संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं, अनलेस उसकी बीवी ने चाकू नहीं मार दिया अपने आप को। अगर उसकी बीवी छत से नहीं गिर गई है, उसकी बीवी ने गोलियां नहीं खा ली हैं, उसकी अरेस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। 3-3 साल बेल लटकती हैं। ऐसा नहीं है कि बेल आपको चौथे दिन मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर ऐसे इंस्टेंस हैं कि 3-3 साल बेल लटकती हैं, पर बेल मिल गई है, कुछ ले दे के मिल गई है, कुछ बिना दिए मिल गई है, पर मिल गई है। ले दे के से मतलब ही बना सर, ले दे के कि डिस्प्यूट है 3 लाख रुपए का। अब ये आपके वकील साहब की नेगोशिएशन पावर है, वहाँ पे उसको 1 लाख में कराते हैं, 50,000 में कराते हैं, 40,000 में कराते हैं, 3 लाख में कराते हैं। मेरे केस में एंटी पहले हो गई थी, और जो ये आर्टिकल से ये बाद में मैंने लौटा है। आपके पास एंटी स्पेक्ट्री मिलती या नोटिस मिलती? मेरी FIR। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को उन्होंने लटकाया रहे, लेकिन जब मैंने डाउरी आर्टिकल लौटा दिया तो उनकी भी बैठी। सर CAW से रिलेटेड हो तो CAW से बात करें। सर CAW रिलेटेड ही बात करेंगे, बेल के लिए अलग से करेंगे यार। बेल के लिए अलग, बेल के लिए अलग। एक चीज और बताता हूं आपको, मैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट बेल और एंटीसिपेटरी बेल अलग अलग चीजें हैं। ट्रांजिट बेल होती है राबरी की बेल। मैं यहाँ से अलाहाबाद जा रहा हूँ अपने मुकदमे की पैरवी करने, मैं रास्ते में अरेस्ट ना हो जाऊँ, मेरे को ट्रांजिट बेल मिलती है। केस फर्स्ट अलाहाबाद में हुआ है सर, हम एंटीसिपेटरी बेल पे एक और सेशन करेंगे सर। अरेस्ट हो सकती है, वो बेल कैंसिलेशन के लिए जाएगी, ये रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी ये कोर्ट ने सुना नहीं, ये मुद्दा रहा नहीं, हाई कोर्ट जाएगी, बेल कैंसिलेशन लगाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं कि CAW में बेसिकली हर आपको हियरिंग पे वो वहाँ पे आइए, आपको कहते हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट दीजिए, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जिसमें आपको स्टेटमेंट देनी हो। अगर आप देना भी चाहते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं ठीक है, आप नहीं चाहते बिगाड़ना उसके साथ, आपका जो दिल है वो आप लिख के दीजिए। कई बार वो कहते हैं कि नहीं, ये आप लड़की को रखना नहीं चाहते, आज आपने गाली दी, आपने ये करा वो करा, बेसिकली They try to put their words in your एक एक और बात है जो CAW सेल के बारे में इम्पोर्टेंट बात है। जब ये डिस्कशन खत्म हो जाएगी मैं एक बात और करना चाहता हूँ, पर पहले डिस्कशन जब खत्म हो जाए तो बताइए। आप अपने जो भी आपने लिखना है वही आप लिखिए और आप अपने साइन दीजिए। कई बार क्या होता है, उनके पास अपना एक रजिस्टर होता है जिसके वो अपने नेक्स्ट डेट देते हैं आपको, कहते हैं साइन करने के लिए, वो बाद में अपनी नोटिंग डालते हैं। आप उनको प्यार से बोलिए अपनी नोटिंग डाल लीजिए, मैं साइन कर लूँगा, और आपने नहीं भी करना है कोई प्रश्न नहीं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन बैटरी, इफ यू हैव एनीथिंग इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू कवर प्लीज कवर दैट फर्स्ट। मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास कुछ एक जजमेंट्स हैं, 10-1 कॉपी हैं जो मैं आप यहाँ पे भी ले सकते हो, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि CAW पास इन्वेस्टिगेशन की कोई पावर नहीं है। CAW आपको कोर्ट नहीं कर सकता प्रेजेंस के लिए किसी भी। इसको एक मिनट, इसको गॉस्पल ट्रुथ मत मानिए कि CAW प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये बेल कैंसिलेशन का एक ग्राउंड बन सकता है कि यू हैव नॉट ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। अटेंड कीजिए लेकिन बिना घबराए, बिना घबराए। सर सवाल एक मिनट, ये बैटरी खत्म हो जाएगी जजमेंट, ठीक है, एक बार बता है। और दूसरा हमारे पास और भी हैं जो
गौरी और स्त्री धन के बीच में डिफरेंस बताते हैं कि बेसिकली व्हाट इज गौरी एंड व्हाट इज स्त्री धन, उसकी भी कुछ एक कॉपीज हैं हमारे पास। और दूसरी एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था हाउ टू हैंडल वुमेन सेल्फ, और हाँ ध्यान